2020-2021 की जो पहली तिमाही है, अप्रैल से जून में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, इकोनॉमी बुरी तरह से औंधे मुंह गिरी है 23.9%। लेकिन इसके बीच जो राहत की बात है कि कृषि की जो विकास दर है वो अच्छी रही है और वो एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर उभर कर सामने आई है। अब इस पर बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आगे की क्या स्थिति रहेगी और जो ये ब्राइट स्पॉट है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कृषि ने एक तरह से कोरोना के समय में देश को संभाला, तो यहां पर एक अहम सवाल कि अब क्या देश कृषि को संभालेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो अर्थशास्त्री मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुरेश पाल जी, जो कि इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्री इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के डायरेक्टर हैं, आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं प्रवीण झा, जो कि अर्थशास्त्री हैं और खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इनकी पैनी नजर बनी रहती है, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सुरेश पाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, जो मेरा अहम सवाल कि अब क्या देश कृषि को बचाएगा और क्या कृषि में, जैसे बोला जा रहा है कि उस तरह की ताकत है कि ये हमारी देश की जो बाकी की जो स्थिति है अर्थव्यवस्था, जो बाकी के सेक्टर्स हैं जो नेगेटिव जोन्स में हैं, उनको क्या वापस खींच पाएगा, पटरी पर ला पाएगा? हाँ, देखिए ये बड़ी ही एक अच्छी बात है कि जो हमारी कृषि की जो वृद्धि दर है फर्स्ट क्वार्टर जो 2021 का है 3.4% जो है रहा है, जबकि बाकी इकोनॉमी में काफी कंट्रेक्शन हुआ है। ये बड़ी ही एक अच्छी खबर है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कृषि पे निर्भर करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, वो जिनकी आमदनी कम है वो लोग इस पे निर्भर करते हैं। तो इसकी वजह से जो रूरल एरियाज में हमारे वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, उनकी आमदनी पे इतना प्रभाव लॉकडाउन का नहीं हुआ जितना बाकी क्षेत्रों में काम करने वालों पे हुआ, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रवीण जी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं कि जो कृषि है वो एक ब्राइट स्पॉट में है, अब ये बताएं कि कृषि ब्राइट स्पॉट में तमाम फैक्टर्स की वजह से रहा, मॉनसून अच्छा रहा, हमने देखा रबी का बम्पर प्रोडक्शन हुआ, खरीफ में फिर बोला जा रहा है ऐतिहासिक स्विंग हुई है, मगर जो ये रफ्तार है, क्या जिस गति से ये चल रहा है, जो इस पूरी स्टोरी के मेन नायक हैं, जो मुख्य पात्र हैं किसान, क्या उनको कहीं फायदा मिलेगा? देखिए, जो हाल में कई सर्वेक्षण हुए, मसलन अगर हम देखें कि जो CSDS का सर्वे था जिसका नाम था गांव, उसके हिसाब से अभी बिल्कुल हाल के आंकड़े हैं ये, एक दो महीना पहले का, इसी तिमाही को लेके था, इसी पीरियड को लेके था, जिसमें बताया जा रहा था कि 80% तक किसानों ने कहा कि उनकी आय में जबरदस्त कमी आई, उनके जो तमाम किस्म के कॉस्ट जो थे वो बढ़ गए, उनको अपनी उपज के लिए जो उचित मूल्य मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर इन आंकड़ों को हम देखें और इसके साथ साथ जो बहुत सारे और सर्वेक्षण आए हैं सामने, अगर उनको हम ध्यान में रखें, तो मुझे तो लगता है कि जो भी वृद्धि की दर बताई जा रही है इसका लाभ 70-90% किसानों को शायद उपलब्ध नहीं हो पाया है। हुआ ये कि उनकी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्राइस थी वो कस के क्रैश कर गई और उनकी जो जरूरत की चीजें थी, चाहे वो कृषि के लिए जरूरत की चीजें हो या बाकी और जो उनका उपभोग है उसके लिए जो जरूरत की चीजें थी, सबकी कीमतें जो है बढ़ती चली गई। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी स्थिति में कोई बेहतरी की संभावना रही होगी इस क्वार्टर में, जो पहला क्वार्टर जो था इसकी मार उन पे काफी गंभीर पड़ी थी। तो उसमें जैसा मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें दोनों चीजें देखनी है, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। तो अभी जो है मान लीजिए स्थिति में थोड़ा इजाफा होता भी है और लेकिन बाकी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे अगर कृषि के लिए उचित डिमांड जनरेट नहीं होता है तो क्या होगा, फिर उनकी जो दुर्दशा है वो बढ़ने की संभावना है। वैसे भी उनको उचित
जो मूल्य मिलना चाहिए वो एक बहुत बड़ा एक विषय रहा है, और जो प्रोक्योरमेंट और इस सब तरह की चीजें थी हम देख रहे हैं उसको लेकर जो ऑर्डिनेंसेज आ रहे हैं उससे क्या चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। तो अगर सारी चीजों को आप ध्यान में रखें तो मुझे तो लगता है कि जो एक ब्राइट स्पॉट है भी उसको इन सारी चीजों के साथ जोड़ के देखना होगा, बहुत होने की ना मुझे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अभी जो एक कृषकों पे गहन मार पड़ी है अतिवृष्टि की वजह से, उसका जो असर हो रहा है इसको फिर आपको ध्यान में देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों को जो है चर्चा में लाना आवश्यक है मुझे लगता है। जी जी, एक और बात बताइए प्रवीण जी, कि अब बोला जा रहा है कि जो खरीफ में जो बुआई हुई है, सोइंग हुई है, वो ऐतिहासिक हुई है। ऐसे में क्या आप इस तरह की संभावना देखते हैं कि आगे चलकर अगर कृषि का इसी रफ्तार से, जिस तरह की कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही है, हालांकि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन फिर भी हम रोजाना में उस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान किस कदर परेशान है सही नीतियों के अभाव में। अब ये बताएं कि आगे, अब खरीफ की सोइंग ऐतिहासिक हुई है, तो आगे चलकर कहीं ग्लट, जरूरत से ज्यादा उपलब्धता की स्थिति तो नहीं बन पाएगी, और अगर ऐसी बनी तो उसको लेकर किस तरह का कृषि रोडमैप सामने होना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और कृषकों की ये मांग रही है, जितने सारे कृषक संस्थाएं हैं उन सब की ये मांग रही है, उचित मूल्य मिलना। तो उचित मूल्य के लिए क्या हमारे पास फ्रेमवर्क है? अभी तो स्थिति ये बन रही है कि जो एमएसपी है ये भी उनको मिलेगा कि नहीं, इस वर्ष भी मैं बता रहा हूं, उस पे कोई विश्वसनीय खबर है नहीं। जी, जो ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं अगर हम उसको ध्यान में रखें जी, तो जो एक रीढ़ की हड्डी थी उचित मूल्य की वो ही गायब हो रही है। तो अगर ग्लट हो जाता है तो निश्चित तौर पे जो है इससे कृषकों को तो फिर कोई फायदा होना नहीं है। सुरेश पाल जी, ये तमाम तरह का जो माहौल बना हुआ है इस वक्त एमएसपी को लेकर, जिस तरह की आशंकाएं हैं, जो किसानों का कहना है कि अब जब ऐतिहासिक सोइंग बुवाई हुई है खरीफ में, तो आगे जाकर कहीं ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि ग्लट, जरूरत से ज्यादा उपलब्धता हो, उसके लिए सरकार की तरफ से किस तरह का कृषि रोडमैप? देखिए, ऐसा है जो हमारी पहले जैसे हम बातचीत कर रहे थे, रबी जो हमारा सीजन गया है उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर का रहा है, और इस खरीफ सीजन में जिसकी बुआई हो चुकी है इसमें भी अपेक्षा ये है कि जो बुआई है वो पहले से ज्यादा हुई है, और दूसरा मानसून ठीक है तो इस बार भी जो है ये जो खरीफ है हमारा इस सीजन में कृषि की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। हाँ, ये बात सही है, मैं वही बोल रही हूँ कि ये तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, भगवान की कृपा है कि मानसून बहुत अच्छा रहा है, किसानों ने भी अपनी विल पावर दिखाई है, अच्छे से सोइंग की है। वो अलग बात है कि इनपुट लागत जो है बढ़ ही रही और उन्होंने किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया है, लेकिन अब सरकार की जो भूमिका है आगे वो क्या देखने को मिल सकती है? ये सही बात है, जब हमारे पास में सरप्लस है तो सरप्लस जब होता है तो मार्केट पे उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इसके दो ही रास्ते हैं, पहला रास्ता तो ये सरकार है जो उसको अपनाती है कि उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं, आने वाली फसल में जैसे इसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, धान का प्रोक्योरमेंट होगा, उसके बाद में अब चने का भी प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, उसके बाद में अरहर का भी प्रोक्योरमेंट सरकार करती है जो आने वाले सीजन में होगी, बाकी फसलों का भी, मूंगफली का भी। हाल में रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये आशंका, चिंता जताई है एमएसपी को लेकर, उस पूरी व्यवस्था को लेकर, और ये भी बोला है कि जो ये प्रोक्योरमेंट है इससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है, उसको और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, उसमें संतुलन लाने की जरूरत है। तो ये तमाम आशंकाएं, लेकिन इस सब के बीच एमएसपी को लेकर जिस तरह की घबराहट है, जो माहौल है देश में इस वक्त किसानों के बीच, वो एक बड़ी बात है कि जो मेन नायक है इस एग्री ग्रोथ का, वो ही कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक प्रोक्योरमेंट का है, गवर्नमेंट का किसी भी फसल को ले लें, उसमें प्रोक्योरमेंट इवन जो रबी हमारा वीट का गया है उसमें भी रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ने किया है,
और ये काफी बढ़ता जा रहा है, एक तरह से 70 मिलियन टन या कितना एस्टीमेट है पिछले सीजन के, तो ये अपने आप में एक बड़े पैमाने पे है। उसके बाद में नेफेड ने शुरू किया है, पल्सिस में किया है, ऑयल सीड में किया है, और दूसरा सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट के एलोकेशन था उनका, उसमें भी काफी इंक्रीज किया हुआ है। तो ये एफर्ट तो सरकार की तरफ से हैं, लेकिन इसके साथ में हमको ये भी देखना है कि जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, ये मार्केट रिफॉर्म्स कैसे बेटर प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं, वो हमको देखना है। और दूसरा जो गवर्नमेंट का जो अभी प्रयास है कि जो एक्सपोर्ट है उसको हमें बढ़ाना है, उसको डबल करना है, तो एक्सपोर्ट निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। हम चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे शुगर का बहुत ज्यादा है उसमें भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें जरूरी है कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी एग्रीकल्चर की वो बढ़े, जिससे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने सुझाव और अपने एनालिसिस को सामने रखने के लिए। तो कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से खरीफ में ऐतिहासिक सोइंग हुई है, बुआई हुई है, उसका जब असर दिखेगा तो किसान भी जो मुख्य नायक है वो भी इस विकास की जो ये कहानी है, ये स्टोरी है, उसमें एक प्रमुख हिस्सा रहें और उनकी जो आमदनी है वो भी उसी उनके मन मुताबिक उनके हिसाब से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।